13 को आ रहा है और आप लोग सब इनवाइटेड हो उसमें. सो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप लोग बहुत ज़्यादा 13 को, ठीक है. This comes under creativity, and whoever the artists are, I mean, it's really well done, actually. Sir, beautiful. Alka Pandey ji ne organize kiya hai is sundar exhibition ke liye. Alka Pandey ji ke liye kya kaam? Jo bhi unhone kiya hai, bahut acha kiya hai. Matlab, ye actually it's not everybody's cup of tea, you know, to make this whole thing come up together and basically art. You know, it's not easy to find artists, so it's really good. हाँ बहुत पसंद है. लेने के लिए बहुत कंफ्यूज में हूँ. तो सर आर्टिस्ट जो है स्टेट से आया है अपना कलर, एक आर्टिस्ट के क्या मैसेज देना चाहता है आर्टिस्ट? आई मीन दे शुड कीप ऑन डूइंग ऑल दिस क्रिएटिव स्टफ्स. नॉट एवरीबडी आर क्रिएटर्स, यू नो. सब लोग को वो क्रिएटिविटी आना, आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली. आई मीन द एक्चुअली फॉर द क्रिएटर्स इट्स अ हैट्स ऑफ. क्या सॉरी अपकमिंग प्रोजेक्ट? यस, एक मूवी है वो आने वाला है अभी पोस्ट प्रोडक्शन में, और एक शूट कर रहा हूँ वो बाद में बताता हूँ. सस्पेंस है वो? या सस्पेंस, सस्पेंस वो बोलते हैं ना, करने से पहले बोलना नहीं है. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. एग्जीबिशन बहुत ज़्यादा सुंदर है और इतने सारे डिफरेंट आर्टिस्ट के डिफरेंट पेंटिंग हैं. आई जस्ट रियली अमेज विद इट. इतनी डिफरेंट थी कि मुझे कुछ पल लगे समझने के लिए, मुझे पॉज करके देखना पड़ा कि इसकी डिटेलिंग्स क्या है. सो इट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल और इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस है. हम लोग पूरे दिन भागते दौड़ते हैं, शूट करते हैं, या फिर इतना टाइम नहीं होता, बट ये जो पूरा सिनेरियो है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है. तो मेरे लिए एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस रहा. मैम आर्ट ऑफ गैलरी जो पेंटिंग्स आपने देखा जी, इस शो की ऑर्गेनाइजर अलका पांडे जी से आपकी बातचीत हो रही थी जी, तो अलका जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं? अलका जी एक खुद एक बहुत ही कलरफुल पर्सनालिटी है, बहुत वाइब्रेंट पर्सनालिटी है. उनसे मिलते ही एक पेंटिंग सा फील होता है. सो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ अ गोल्डन हार्टेड लेडी एंड शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग ऑल्सो एंड वेरी नॉलेजेबल फॉर ऑल दिस थिंग्स. सो इट वॉज़ वेरी अमेजिंग कन्वर्सेशन विद हर एंड आई जस्ट लव हर द वे शी इज़. पेंटिंग से बात करें तो आपने जो विजिट किया है बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं. बहुत डिफरेंट था मेरे लिए, डिफरेंट कलर्स की वाइब्रेंट पेंटिंग्स थी यहाँ पर. और बहुत ही अमूमन ऐसा नहीं होता हमारे साथ कि हम इतनी अच्छी पेंटिंग्स देखते हैं बट इतनी अच्छी बड़े आर्टिस्ट की एक जगह इकट्ठा होकर इतनी सारी पेंटिंग्स देखना और इतने ब्यूटीफुल मौके पर जहाँ पर वीकेंड है, आप चिल कर रहे हो और पेंटिंग को समझने का आपको टाइम और मौका मिलता है. सो आई एम सुपरली हैप्पी विद दिस. कोई ऐसी आपका पेंटिंग है जो आपके दिल को छुई हो बहुत ज़्यादा? बिल्कुल, ऐसी 3-4 पेंटिंग थी जो मेरे दिल को छू गई और मुझे लगा कि उसे उठा के घर ही ले जाऊँ बिकॉज मैं भी एक पेंटिंग लवर हूँ. सो वहाँ पर एक बुद्धा जी की बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग है और जिस कलर का मैंने आउटफिट पहना उस कलर की वहाँ पर इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग है. सो आई जस्ट लाइक मैचिंग हो रही है तो फिर मैं ले ही लूँ. जोक्स अपार्ट, बहुत ही मीनिंगफुल पेंटिंग्स हैं वहाँ पर. तो मुझे 3-4 पेंटिंग्स बहुत पसंद आई. मैम आपको बहुत सुंदर सॉन्ग भी शूट हुए हैं जी, उसके आर्ट वीडियो भी आने वाले हैं, क्या करना चाहेंगे जी? मैं आप सब लोगों को इनवाइट करना चाहूँगी. इतना सारा मेरे इतने सारे वीडियोज़ वेब सीरीज़ को, लास्ट वाली नवाज़ के साथ जो वेब सीरीज़ थी, बहुत सारी वेब सीरीज़ को आपने इतना सारा प्यार दिया तो मैं उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद चाहूँगी. और 13 को आप सबको इनविटेशन है, शाम को प्लीज़ आइएगा, सारे लोग आइएगा आकर. मैं चाहती हूँ कि प्रेस कवर मीडिया वो बाद में, लेकिन आप लोग जो कि इतनी मेहनत करते हो, जो सबके पीछे इतनी सबके लुक के पीछे, या किसी का कुछ हो गया, कोई हॉस्पिटल में हो, किसी को ज़रूरत है आपकी, आप सबके लिए भागते हो. तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब आके मेरे साथ पार्टी करें, बाकी का बाद में देख लेंगे. थैंक यू सो मच. Thank you.
बहुत ही महत्वपूर्ण कला प्रदर्शनी है। इसमें इस प्रदर्शनी में हमने 270 से ज़्यादा काम दर्शाए हैं और जो काम हैं वो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब 1940 से लेकर आज तक के तरह तरह की मटेरियल्स के काम हैं। पेंटिंग है, स्कल्पचर है, फोटोग्राफी है, टेक्सटाइल आर्ट है, प्रिंट मेकिंग है। तो इसमें जो हमने कला प्रदर्शनी में जो हमने आपको कलाकार दिखाए हैं वो उनकी उम्र भी बहुत अलग अलग है। सबसे छोटा आर्टिस्ट करीबन 25 साल का होगा और 90 साल तक के आर्टिस्ट का काम दर्शाया है। तो इसमें जो आप देखेंगे भारत का एक ऐतिहासिक नज़रिया भी दिखेगा, क्योंकि रामायण से लेके अपने सेल्फ पे, अपनी बॉडी पे जो आजकल के यंग कलाकार पर्टिकुलरली विमेन काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो आप देखेंगे इस कला प्रदर्शनी में। भारत का जो क्रिएटिव जीनियस है, फ्रॉम ट्राइबल आर्ट टू फोक आर्ट टू AI, सब कुछ यहाँ हमने दर्शाया है इन 270 कामों में। इसमें आप देखेंगे एक तो मास्टर्स बहुत बढ़िया है और दूसरा जो है जो आने वाले कलाकार उनकी जो उनका जो फ्यूचर है, जो आगे आने वाले जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट में फ्यूचर ब्लू चिप्स हैं जो कि कला को एक नया डायरेक्शन दे रहे हैं, उनका काम बहुत खास है यहाँ। और दूसरा काम जो बहुत खास है वो है ट्राइबल आर्ट। इतना बढ़िया ट्राइबल आर्ट आपको एक जगह में नहीं मिलेगा। देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी है, तो जो जो लोग अखबार पढ़ते हैं और सोशल मीडिया देखते हैं वो तो आएंगे, और हम तो चाहते हैं कि आसपास के इलाके के लोग भी आएं और जितने लोग मुंबई का हैं वो तो आके देखें, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है। और ये काम सिर्फ बड़े बड़े शहरों के आर्टिस्ट का नहीं है, आगरा से लेके केरला के आर्टिस्ट, बंगाल, मधुबन और मध्य प्रदेश, गोंद आर्टिस्ट, सराय आर्टिस्ट, सब लोग, सब कलाकारों का काम है। तो जितने ज़्यादा लोग आएं और इस प्रदर्शनी को देखें वो हमारे लिए एक बहुत खुशी का अवसर है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जिस तरह से सपोर्ट किया है आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के लिए क्या कहना चाहिए? आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी इज डूइंग अ ग्रेट सर्विस आर्टिस्ट के लिए, बहुत बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग आर्ट को देखेंगे उतना ही उसको पसंद करेंगे और उतना ही वो खरीदेंगे। तो इसमें जिसको कहते हैं कि सस्टेनेबल लिविंग भी हो जाएगा, कलाकारों को भी तो पैसा कमाना होता है, तो अपनी कला और राइट काइंड ऑफ पीपल उसको खरीदेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो दोनों का भला होगा। तो दूसरे लोगों को भी आगे आना चाहिए, तो आगे बढ़ाने के लिए क्यों नहीं, क्यों नहीं आना चाहिए, जितने और लोग करें। मैं तो कहती हूँ कि सपोर्ट करना चाहते हैं और वो बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ है आर्टिस्ट के लिए।